बारिश के दिनों में हमारे पेट्स को पिस्सू और किलनी से बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें इनसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक भाग नीम के तेल और दो भाग नारियल के तेल के मिश्रण से मालिश करेंगे। अगर आपको ये अपनी बिल्ली पर लगाना है तो आप नीम के तेल को छोड़कर सिर्फ नारियल का तेल लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि तेल अच्छे से अंदर त्वचा तक पहुँचे। कानों के पीछे, बगल में और पूंछ के नीचे तेल अच्छे से लगाएं। तेल को 24 घंटों के लिए लगे रहने दें। अगर ये गंदे हो जाते हैं तो परेशान न होइए, क्योंकि इन्हें हमें वैसे भी नहलाना ही है। अगले दिन इन्हें कीटनाशक शैम्पू से नहला दें। शैम्पू को अच्छे से मलिए ताकि बहुत सारी झाग बने और सारा तेल निकल जाए। मगर इस बात का ध्यान रखिए कि शैम्पू कान और आँख में ना जाए। अच्छी तरह पानी डालिए ताकि शैम्पू पूरी तरह निकल जाए। इसके बाद हम इन पर फूड ग्रेड डायटोमेशियस अर्थ पाउडर लगाएंगे। सिर्फ फूड ग्रेड डायटोमेशियस अर्थ पाउडर का ही इस्तेमाल करें। पाउडर को जानवर के पूरे शरीर पर अच्छे से मले और फिर कंघी कर दें। ये करते वक्त ध्यान रखिए कि पाउडर ज्यादा उड़े नहीं, क्योंकि इससे आंखों और फेफड़ों में जलन हो सकती है। अगर आपका पेट इस पाउडर को चाट लेता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये हानिकारक नहीं है, बल्कि इससे पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। अंत में उनके कान, गर्दन, बगल, पंजे और पूंछ को अच्छे से जांच लें ताकि और कोई पिस्सू या किलनी ना रह गई हो। अगर कोई कीड़ा मिलता भी है तो उसे जड़ से पकड़कर निकाल दें। ऐसा करने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि कहीं कीड़े का सर त्वचा से लगा ना रह गया हो। आपके पेट के रहने और खेलने की जगह को भी टिक फ्री रहना बहुत जरूरी है। डायटोमेशियस पाउडर को अपने पेट्स के बेड और कारपेट पे भी छिड़क दीजिए ताकि वहाँ पे पिस्सू और किलनी पैदा ना हो पाए। अब आप और आपके पेट मजे से कीट रहित रह सकते हैं।